चंद्र जी को छोटी उम्र में उन्होंने एक साथ में 100 अवधान बोलते हैं, हर अलग अलग कोने से 100 व्यक्ति ने 100 चीज बताई, उन्होंने बिना भूल के 100 वही क्रम में दिखा दिया था। और आपको कितना याद रहता है? एक दो, और दो में भी गलती करते हैं। तो राजचंद्र जी का कितना चित्त शुद्ध होगा, उनकी कितनी शक्ति होगी, एक साथ में 100 चीज अलग 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 देखना कभी। वो कहां से लाए होंगे, हमारे जैसे मनुष्य थे वो? और कई लोगों की होती है ऐसी, इतनी चित्त अच्छी होती है जो पेज एक बार देख लिया, फोटोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, और अपना तो 10 बार पढ़ते तो भी 11वीं बार याद नहीं रहता है कि क्या हो गया एग्जाम में। ये ठीक नहीं है। ठीक है हाँ। ओके, कल बताना आप लोग क्या सोचते हैं ये बारे में। ओके, क्या डिसीजन हाँ। लिया? ओके, नहीं सोचते अभी हम पद चुनेंगे। मोनिका दीदी का टर्न है। मोनिका दीदी, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दाना भगवान नी साक्षी, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र तीर्थंकर भगवान श्री शिवंदर स्वामी नमस्कार करो। श्री शिवंदर स्वामी ने नमस्कार करू, उदासीन भावे सार जावते, उदासीन भावे कार जावत छे, कायम कायम नो सतयु क्षेत्र महाविदे नमस्कार करो। क्षेत्र महाविदे नमस्कार करो। पांच विषयोनी पवित्र निवृत, पांच विषयोनी पवित्र निवृत, पांच परमेशित प्रतिश, पंच परमे प्रतिश अनादिश स्वामीनी नमस्कार करूच, अनादिश स्वामीनी नमस्कार करूच। विहत स्वरूपी ब्रह्मादि व्यापक, विहत स्वरूपी ब्रह्मादि व्यापक, परमात्माज स्वदुष मुक्त देहि विदेयने नमस्कार करूच, मुक्ति देहि विदेयने नमस्कार करूच। प्रत्यक्ष दादा भगवान नी साक्षी, प्रत्यक्ष दादा भगवान नी साक्षी, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र माविचरता, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान। आपने बहुत बढ़िया पद निकाला, अच्छा गाया। तो ये पद क्यों निकाला आपने? ये मैंने चूज किया क्योंकि इसमें हम जो भी हम नमस्कार विधि में बोलते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। ओके, और महाविदे चक्र के आपने क्या, आपका क्या मालूम है महाविदे चक्र के बारे में? महाविदे क्षेत्र में तीर्थंकर श्री सिमल स्वामी विचरते हैं, जहाँ पे हमें जाना है क्योंकि वहीं से हमारा मोक्ष है। ओके, और दूसरा कुछ जानने का है तो थोड़ा हाँ बोलो। वो मुझे अनादि स्वामी ने नमस्कार कर, उसका मतलब क्या है?
दादा उसका हाँ ठीक है। तो स्व अमी, स्व मैंने शुद्धात्मा जो खुद का स्वरूप है, और खुद के स्वरूप में जब हम रहते हैं या भगवान भी खुद के स्वरूप में केवल ज्ञान स्वरूप में है, तो उसका अनंत सुख अनंत आनंद जो परमानंद है वो स्व अमी अमृत जैसा जो शीतल आनंद है उसको स्व अमी बोलते हैं। अनादि मीन्स विदाउट बिगिनिंग सो विदाउट एंड, जो सनातन है जो हमेशा के लिए है, जिसकी आदि मैंने बिगिनिंग भी नहीं और बिगिनिंग नहीं इसलिए एंड भी नहीं। तो हमारा ये स्व शुद्धात्मा का जो सुख है वो शुद्धात्मा अनादि अनंत है, इसलिए उसको अनादि स्वामी बोलते हैं। बाकी जब हमें दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ तो उसकी शुरुआत बोली जाती है, मगर सचमुच में तत्व स्वरूप से वो हमेशा का है। अनादि स्व अमी ने नमस्कार करूं छु मीन्स जो सनातन है जो परमानेंट है जो हमेशा का है, ऐसा ही हम मेरे स्व के स्वरूप के शुद्धात्मा के अमी मैंने परमानंद को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ठीक है मुनिका? विराट स्वरूपी क्या हो, विराट स्वरूपी क्या होता है? विराट स्वरूप हम सामान्य लोग भाषा में ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा, तो मगर बहुत बड़ा जब देखते हैं तब होता क्या है, तो बोले हमारा अहंकार चला जाता है। सो मूल भगवान की भाषा में जो मेरा अहंकार निकाल दे, मैं शैलेश हूँ वो जो निकाल सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो निकाल देते हैं, वो विराट स्वरूप है, उसको विराट स्वरूप बोलते हैं। और दूसरा कि सिमंदर स्वामी का जो स्वरूप है केवल ज्ञान स्वरूप है, सभी तीर्थंकरों का और सभी केवल ज्ञानियों का जो केवल ज्ञान स्वरूप है, उसमें शुद्धात्मा परमात्मा स्वरूप से व्यक्त हुए, उसके ऊपर के सभी आवरण निकल गए, तो उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सके, मीन्स पूरे ब्रह्मांड के ज्ञेयों को देख सके, ऐसा होता है। वो देह में सीमित नहीं रहते हुए पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर सकता है, या तो पूरे ब्रह्मांड के सभी ज्ञेय दृश्य सभी तत्व उसमें दिखाई देते हैं, इसलिए वो अर्थ में भी उसको विराट स्वरूप बोलते हैं और ब्रह्मांड में व्यापक होते हैं। और दूसरे अर्थ में हमारा अज्ञान रूपी अहंकार ले जाते हैं, उसी अर्थ में भी उसको विराट स्वरूप बोल सकते हैं। ओके वेरी गुड। सिमंदर स्वामी ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, संपूर्ण व्यक्त है, निरावरण हो चुके हैं। ओके मोनिका जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन आपने पद ऊपर से क्वेश्चन, आपको पद पर क्वेश्चन है आप गुजराती में बोल सकते हैं, जवाब हिंदी में मिलेंगे। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, क्वेश्चन ये छे के आपणे धीमे थी उतावळ करवानी वात करी छे दादाए, पण ए धीमे थी